हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल वाईफाई सक्सेस क्लासेस में। जैसा कि हम आपको करा रहे हैं सन 2019 का प्रैक्टिस सेट, जिसका कोड है FN और छठवां क्वेश्चन है, जिसमें अब क्रियाएं दी गई हैं। पांच अब क्रियाएं ऊपर दी हैं, पांच नीचे दी गई हैं। अथवा में आपको जो समझ में आती है वो अब क्रियाएँ कर लीजिए। तो आपको पहली अभिक्रिया कराते हैं। जैसे पहला दिया गया खा प्रश्न है, इसका ये खा प्रश्न है और खा का पहली अभिक्रिया दी गई है। पहली अभिक्रिया क्या है? फॉर्मल्डिहाइड को 50% NaOH के साथ गर्म करते हैं। याद रखिए, ऐसी अभिक्रियाएं हम आपको 4 से 5 बार करा चुके हैं। फॉर्मल्डिहाइड के 2 अणु लीजिए, कम से कम 2 अणु, और इसको कास्टिक सोडा के साथ NaOH के साथ गर्म कर दीजिए। अब इसको देख लीजिए, इसकी क्रियाविधि फिर आपको बताते हैं एक बार, पुनः आपको बता रहे हैं। ये लीजिए, ये 2 बॉन्ड टूट गए, ये हाइड्रोजन इससे ही चिपक जाएगा, लग गया, ये हाइड्रोजन इसके पास चला जाएगा। बचा क्या? सबसे पहले ये बनने वाला लिखेंगे, बना है CH3OH, बन गया। और यहाँ पर क्या बचा है? HCO, और यहाँ पर क्या बचा? ONA। तो ये बना सोडियम फॉर्मेट, ये मेथिल अल्कोहल है और बीच में प्लस का निशान है, और ये सोडियम फॉर्मेट बन गया। ये अभिक्रिया आपको कई बार करा चुके हैं। इसी प्रकार से एस्टल्डिहाइड को तनु NaOH और आयोडीन के साथ गर्म करते हैं। देख लीजिए, आयोडोफॉर्म बनाने को बता रहा है, ये पहली थी और ये दूसरी अभिक्रिया। एसिटल्डिहाइड CH3C OH, एस्टल्डिहाइड को आयोडीन के साथ, वहाँ पर मात्रा कुछ ज़्यादा ली थी, यहाँ पर कुछ कम लेंगे और अभिक्रिया सेम करेंगे। यहाँ पर हम इतनी ले लेंगे तो कि यहाँ पर ले लें 3 का मल्टीप्लाई करें, तो 3 हो गए ये, और 4 किसके आगे कर दें? कास्टिक सोडा के आगे। तो 3 NaI कितनी? नहीं, 3 नहीं, हाँ 3 NaI निकल आएगी, 3 NaI, सोडियम आयोडाइड 3 निकल गए, 3 आयोडीन बची हैं, इसके 2 हाइड्रोजन टूटेंगे और 2 हाइड्रोजन ये, कितने हो गए टोटल? 4 हाइड्रोजन इसकी 2 ऑक्सीजन लेकर चले जाएंगे, तो क्या बनाएंगे? 2H2O, चारों हाइड्रोजन हो गए, और यहाँ पर क्या बचा है? CH। इसको हम बताते हैं कैसे ये टूटा है। ये यहाँ पर CH रहने दीजिए और एक यहाँ लगाइए हाइड्रोजन, एक ऊपर लगाइए, ये दोनों हाइड्रोजन जब टूटेंगे, ये दोनों हाइड्रोजन, ये और ये, तो यहाँ पर 3 बॉन्ड 1 2 3 टूटेंगे और ये आयोडीन आ जाएंगी इसके पास में, ये आयोडाइड बन जाएगा। बचा क्या? CH, क्या बचा है? इसको NaI को थोड़ा आगे लिख दें, 3 NaI, और ये बचा है CH, और यहाँ पर O कितने बचे हैं? 4 थे, जिसमें से 2 खर्च हो गए, और COONA बना देंगे, ये ONA बना लेंगे, तो यहाँ पर बचेगा HC, और इससे क्या जुड़ा है? A को, और ONA बन जाएगा ONA। तो यहाँ 4 और 2 6 हुए थे हाइड्रोजन, तो ऑक्सीजन कितनी खर्च हो जाएंगी? 6, 4 और 2 6, तो 3 ऑक्सीजन यहाँ से ले लेंगे और 1 ऑक्सीजन यहाँ लग गई, तो ये अब क्रिया हो गई आपकी आयोडीन आयोडोफॉर्म बनाने की। ये आपका बन गया आयोडोफॉर्म बन गया। इसी प्रकार से अगली अभिक्रिया दी, एस्टल्डिहाइड को टॉलेन अभिकर्मक, आप जानते हैं टॉलेन अभिकर्मक, Ag2O को कहते हैं टॉलेन अभिकर्मक, यानी कि चांदी का रूप होता है। अगर फेलिंग अभिकर्मक होता तो आपको हम बताते हैं कि Cu को, ये है CuO, ये है फेलिंग अभिकर्मक, और Ag2O है टॉलेन, ये अभिकर्मक से अभिक्रिया करानी है, टॉलेन अभिकर्मक। तो एस्टल्डिहाइड को लिखते हैं CH3COH, एस्टल्डिहाइड, और टॉलेन अभिकर्मक के साथ गर्म कर दें, तो ये बिलियन का रंग काला कर देगा भाई, लेकिन बनाएगा एक एसिटिक अम्ल CH3, इसकी ये ऑक्सीजन इसके साथ यहाँ फिट हो जाएगी और चांदी पृथक हो जाएगी। ये इस अभिक्रिया को रजत दर्पण बनाना भी कहते हैं। तो ये Ag काला पृथक हो जाएगा और ये रजत दर्पण है, क्या है? रजत दर्पण, इससे रजत दर्पण भी बनाते हैं, और ये क्या बन गया? एसिटिक अम्ल। अगली अभिक्रिया, एसीटोन को जब KOH की उपस्थिति में गर्म करते हैं, एसीटोन को किसके साथ गर्म कर दो? क्लोरोफॉर्म के साथ, क्लोरोफॉर्म के साथ गर्म कर दो, तो क्लोर बन जाएगा क्लोरीटोन। देखिए कैसे, ये लिखिए अगली चौथी अभिक्रिया, एसीटोन को लिखिए आप पहले,
CH3 C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, ये एसीटोन हो गया। एसीटोन को हम किसके साथ गर्म करें, क्लोरीटोन। तो क्लोरीटोन का क्लोरीटोन बनाना है, ये लीजिए CHCl3 क्लोरल के साथ गर्म करते हैं तो क्लोरीटोन बनता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये क्लोरोफार्म, इसको एक OH है और H लेकर यहाँ पर चला जाएगा, तो इसको क्लोरल के साथ गर्म करके ना अगर दूसरे के साथ गर्म कर लिया जाए कास्टिक सोडा, तो ये C(OH) यहाँ पर एक योगात्मक अभिक्रिया बन जाएगी। कैसे बनेगी देखिए, CCl3 और H को ले लें हम बाहर और बीच में किसका निशान है, प्लस का। अब देख लीजिए ये कैसे बनेगा, ये बॉन्ड टूट जाएगा और एक यहाँ टूट जाएगा, इस O से ये H लग जाएगा और ये Cl पूरा इससे जुड़ जाएगा CCl3, तो ये एक बनेगा बेहतरीन सा नगीना CHCH3। इसका ये बॉन्ड टूट गया, इसके साथ O जुड़ा हुआ था, उसे क्या मिला, H। आधा बंद बेचारे का ये है, इससे कौन जुड़ने आ रहा, CCl3, इसी को कहते हैं क्लोरीटोन, ये क्लोरीटोन हो गया। अब बता रहा है ग्लिसरॉल को ऑक्सैलिक अम्ल के साथ गर्म करते हैं तो क्या बनता है, पहले आप ग्लिसरॉल का फार्मूला जानिए। ग्लिसरॉल साबुन को जब पोमेटिक ऑयल के साथ बनाते हैं तो ग्लिसरॉल निकलता है, तो ग्लिसरॉल का फार्मूला होता CH2OH, CHOH, CH2OH, ये ग्लिसरॉल है। अंतिम अभिक्रिया है लास्ट, ग्लिसरॉल को हम किसके साथ गर्म करें, ऑक्सैलिक अम्ल, यानी कि इसका होता C(OH), C(OH), ये ऑक्सैलिक अम्ल है। तो ये क्या बन जाएगा, ये यहाँ से एक हाइड्रोजन लेकर इसका एक जल निकाल देगा, इसको हम गर्म कर देंगे, क्या कर देंगे, गर्म केवल, और ये क्या बना देगा, CHOH, और यहाँ पर क्या बन जाएगा, O, एक O बचा है और C बचा है और इससे क्या जुड़ा है, CCH3। ये ग्लिसरॉल मोनो ऑक्सीलेट बन जाएगा। अब यहाँ पर इससे क्या जुड़ेगा, देखिए ये CH3OH था और इसका O बचा था, ये अगर चाहे तो आप नहीं दिख रहा है तो इसको ऐसे जोड़ दें CH C(OH), ये देख लिए OC जुड़ा है हुआ इससे, ठीक है। आगे इससे क्या लिखेंगे, साफ नहीं दिख रहा इसीलिए इसको रिवर्स कर रहे हैं, तो ये CHOH, CH2OH, और क्या निकल गया, माइनस का H2O, यानी जल पृथक हो गया और ये बन गया ग्लिसरॉल मोनोऑक्सीलेट, ग्लिसरॉल मोनो ऑक्सीलेट, ऑक्सैलिक अम्ल है तो ऑक्सीलेट बन गया, ऑक्सीलेट, ये ऑक्सीलेट बन गया। इतने आसान होते हैं इसको अभिक्रियाओं को कराना। अब आगे हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट अभिक्रिया अथवा में, एसिटिक अम्ल को एसीटोन कैसे बनाएंगे, बहुत आसान है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ गर्म कर दीजिए, एसिटिक अम्ल बनके एसीटोन बनकर तैयार हो जाएगा एसिटिक अम्ल से। देखिए पहली अभिक्रिया कितनी आसान होती है, बहुत आसान अभिक्रिया है, एसिटिक अम्ल लिखिए पहले CH3 C(OH) बन गया, आइए एक बार और लिख लीजिए CH3 C(OH), और इसको किसके साथ गर्म कर दें, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी बुझे हुए चूने के साथ, OH हो गया। अब देख लीजिए यहाँ से दो क्या निकल जाएंगे, ये लीजिए दो निकाल दिए हमने जल, जब इसको हम गर्म करते हैं तो ये क्या निकल जाएगा, जल, और ये क्या निकल जाएगा, फिर जल, और ये बन जाएगा कैल्शियम एसीटेट, क्या बचेगा CH3 C(OH), फिर लिखेंगे CH3 C(OH) लिख गया, और इससे क्या जुड़ जाएगा, क्योंकि दो बंद टूटे तो इससे बन जाएगा कैल्शियम एसीटेट, और क्या निकल जाएगा, माइनस के CH2O, ये हमने यहाँ पर इसलिए लिखे हैं कि आपको दिखाई दें, आगे नहीं लिखेंगे क्योंकि अभी ये एसीटोन नहीं बना हुआ है, माइनस CH2O, माइनस CH2O ये बन गया। अब इसको हम पुनः गर्म कर दें, क्या कर दें, पुनः गर्म कर दें, गर्म, तो ये देखिए ये क्या निकल गया, ये निकल गया आपका कैल्शियम कार्बोनेट, क्या निकल जाएगा,
CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट आपका निकल गया और बचा क्या CH3, बीच में क्या जुड़ा है CO, और यहाँ पर क्या है CH3, ये बन गया एसीटोन, ये एसीटोन बन गया। अब दोबारा आएगा रीमर टीमर अपक्रिया आ गई, फिनोल से सैलिसिल डिहाइड बनाना है, वही पुरानी अपक्रिया फिनोल से सैलिसिल डिहाइड बनाना है। देख लीजिए कैसे बनाते हैं, यहीं पर थोड़ा झुककर लिखना पड़ेगा लेकिन इस अपक्रिया को मिटा देते हैं, अगर चाहे तो आप लिख ले, चलो हम नीचे लिखाते हैं। ये लीजिए फिनोल है, ये फिनोल दूसरी अपक्रिया आई है, ये फिनोल है और इसको हम किसके साथ क्लोरोफार्म CHCl3 इसके साथ गर्म करें क्लोरोफार्म, और गर्म करें हम किसके साथ कास्टिक सोडा के साथ, दो का मल्टीप्लाई यहाँ कर दो, एक हाइड्रोजन यहाँ से निकालो, तो ये बंदा ये दो हाइड्रोजन वही पुरानी अपक्रिया है, दो हाइड्रोजन इससे लेकर इस ऑक्सीजन को तोड़ जला जाएगा तो क्या बनेगा, दो जल बनेंगे, क्या बनेंगे दो जल के अणु। यहाँ पर हम एरो लगाते हैं ताकि अपक्रिया को नीचे ले जाएंगे, नहीं आगे लिए चलते हैं क्योंकि एक बार में पूरी नहीं होनी है। तो 60 से 60 डिग्री सेंटीग्रेड पर इसे गर्म करते हैं तो यहाँ निकल जाएगा (2H2O), एक निकलेगा माइनस का एक, इससे Na लेकर ये क्या बना देगा NaCl, एक NaCl निकाल दो, माइनस का एक NaCl, ये यहाँ पर लिखेंगे तो प्लस का कर देंगे। अब बचा क्या, ये CHCl2 यहाँ पर भाग कर पहुँचेगा, ये लीजिए, और ये बचा हुआ Na इस O के पास पहुँच जाएगा तो ये बन जाएगा ONa सोडियम फिनोक्साइड, और ये बन जाएगा CHCl2। ऐसा कुछ डालो कि ये Cl2 टूट जाए, तो हमारे पास क्या है डालने के लिए NaOH, दो का मल्टीप्लाई करेंगे तो इन दोनों प्रोडक्ट को कहाँ लिखें हम, यहाँ लिख दें -2H2O -NaCl। अब इसको हम यहाँ पर लिखें ताकि अभिक्रिया आपको दिखाई दे, 2NaOH। अब देख लीजिए ये Cl2 को भी साफ सुथरा लिखें, सही है। अब देख लीजिए ये अभिक्रिया यहाँ से 2NaCl निकाल देगी तो माइनस का NaCl निकल गया और ये OH यहीं जुड़ जाएंगे। अब OH यहीं जुड़ेंगे तो इसका क्या करना होगा हमें, जल अपघटन, और अगर यहीं से एक जल निकाल दें तो बहुत आसानी होगी, लेकिन हम आपको दो हिस्सों में बताएंगे, ONa और यहाँ पर CH से एक OH यहाँ जुड़ा होगा और एक OH यहाँ जुड़ा होगा। अब यहाँ से एक जल निकालें और एक क्रिया क्या कर दें, एक यहाँ पर डालें हम HCl, क्या डालें HCl डाल के गर्म करें तो ये Cl इस Na से क्रिया कर जाएगा ये, और यहाँ पर क्या निकल जाएगा -NaCl निकल गया, और यहाँ पर एक OH ये निकल जाएगा जल तो एक H2O लिख दें। अब बचा क्या, एक O बचा, यहीं पर डबल बॉन्ड बन जाएगा और ये बेंजीन रिंग पर बन जाएगा सैलिसिल डिहाइड, ये H इसी O के पास पहुँचेगा, ये H कहाँ पहुँचेगा यहाँ, देख लेना सही से, एक H यहाँ पर पहुँचेगा। नहीं समझ में आ रहा तो दूसरे कलर के मार्कर से आपको दिखाते हैं, ये देख लीजिए ये H यहाँ पर पहुँचेगा, ठीक है। अब ये H O के पास पहुँचेगा तो ये क्या बन जाएगा पुनः OH बन जाएगा, और यहाँ पर क्या लग जाएगा CHO, जो बचा था CHO, ये ही सैलिसिल डिहाइड है, इसका नाम है सैलिसिल डिहाइड, इकट्ठा लिखने पर सैलिसिल डिहाइड बोलते हैं इसको, वो सैलिसिल एल्डिहाइड लिखा हुआ है, ठीक है। ये अपक्रिया हो गई आपकी दूसरी फिनोल से सैलिसिल डिहाइड। अब बहुत आसान है, यूरोट्रोपिन फार्मल्डिहाइड से हेक्सामेथिलीन टेट्रामीन बनाना, हेक्सामेथिलीन टेट्रामीन यानी कि 5 टेट्रामीन बनाने हैं। आप देख लीजिए इसको रब करते हैं, अगली अपक्रिया पे पहुंचते हैं। अगली अपक्रिया आपको क्या बताती है कि फार्मल्डिहाइड इतना है हेक्सामेथिलीन CH2O, इसे फार्मल्डिहाइड बोलते हैं या इसे ऐसे लिखते हैं HCHO, बात दोनों एक ही हैं, अमोनिया के साथ गर्म कर दो NH3,
यह कह रहा है हेक्सा, यानी कि इसको करना होगा 6 बार। यह क्रिया 2 बार बता रहे हैं, 2 हिस्सों में लिखकर आपको इसलिए बता रहे हैं ताकि आपको समझ में आए, ऐसे भी लिख सकते हैं। और यहाँ पर 6 ऑक्सीजन हो गए तो 12 चाहिए हाइड्रोजन, तो यहाँ पर क्या कर दो, 4 का मल्टीप्लाई, ये नाइट्रोजन 4 हो गए। तो ये देखो 6 ऑक्सीजन 12 हाइड्रोजन के साथ चले जाएंगे तो 6H2O बनेगा। देखो 6 ऑक्सीजन निकल गए और यहाँ पर बचेगा CH2 का होल 6, यानी कि हेक्सामेथिलीन, और नाइट्रोजन कितने बचे, 4, और यही टेट्रामीन है, यही टेट्रामीन है, हेक्सामेथिलीन टेट्रामीन, इसे कहते हैं यूरोट्रोपिन। इसे चाहते तो ऐसे कर लेते क्योंकि ये भी फॉर्मल्डिहाइड ही लिखा हुआ है। अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, एसीटोन से एसीटामाइड, अरे बहुत आसान है, एसीटामाइड लीजिए CH3C डबल बॉन्ड O, एसीटोन CH3 है ये, और इसको हाइड्रोक्सिल अमीन के साथ गन कर दीजिए, ये है हाइड्रोक्सिल अमीन, तो ये क्या निकल जाएगा, NaOH, और ये कहाँ पर जुड़ जाएगा, यहीं पर, तो जो चीज़ बनी है यही एसीटामाइड है, ये C डबल बॉन्ड O NH2, ये क्या है, एसीटामाइड। शेष क्या बचा है, शेष बचा हुआ है CH3OH, यानी कि मेथिल अल्कोहल बाहर हो गया, ये एसीटामाइड बन गया गर्म। अब क्या कह रहा है, बेंजल्डिहाइड से सिनेमिकम, अरे बड़ा आसान होता है, एस्टल्डिहाइड के साथ गर्म कर देंगे, तो लिखो C6H5 C डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड O, ये है बेंजल्डिहाइड, इसको गर्म कर दो एस्टल्डिहाइड के CH2 C डबल बॉन्ड HO, इसके 2 हाइड्रोजन इसका जल लेकर चले जाएंगे, इसके 2 हाइड्रोजन इसका ऑक्सीजन छीन कर चले गए तो क्या बनाएंगे, ये बनेगा C6H5 CH डबल बॉन्ड CH, यहीं पर डबल बॉन्ड क्योंकि 2 हाइड्रोजन टूट रहे हैं, माइनस का क्या निकल रहा है H2O, और क्या इससे जुड़ा होगा HCO, यही है सिनेमिक अम्ल। लीजिए ये सभी अभिक्रियाएं पूरी हो गई, कितने मिनट लगे, ज़्यादा से ज़्यादा 20 से 25 मिनट लगेंगे, सभी अभिक्रियाएं पूरी हो जाएंगी। तो ऐसे ही मुस्कुरा मुस्कुरा कर पढ़ते रहिए और क्रियाओं को सीखते रहिए, अभिक्रियाओं का तो भूत दिमाग से उतार देंगे, क्योंकि ऐसी कोई अभिक्रिया नहीं है जिसे हवा में ना उड़ाया जा सके, ठीक है, आप ही सीखेंगे, आप ही करेंगे, हम सिखाएंगे आपको, ये बात है आपको ध्यान में रखनी है, क्या बात है, क्या बनने वाला है, ठीक है, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए, धन्यवाद।